थोड़ा बॉडी को थोड़ा मतलब होश में लाना है कि भाई तेरे को और 110 किलोमीटर करना है आज। तो यहाँ पे शायद से एक्सीडेंट हो गया। अभी हम लोग नौगांव टाउन पहुँच गए और मेरा हो गया तेल खत्म। भाई ये चेक करो, मैं बोल रहा था ना ऐसा धूल है कि कुछ दिखाई नहीं देता है। हम लोगों को ये टोल मिला है जोराबर से पहले। वाटर ब्रेक के लिए रुके थे हम लोग, पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो गया, पूरा मतलब थक गया है बॉडी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो सब? अच्छा करता हूँ, सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का 5:45 और मैं निकल रहा हूँ काजीरंगा के लिए। और यहाँ पे जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसका रीज़न यही है कि ये मेरा आखिरी वीडियो है यहाँ से, क्योंकि कुछ दिनों में मैं कलाइन शिफ्ट हो जाऊँगा, तो वहाँ से बाकी सब वीडियोस आएगा। तो ये फ्रेम जो आप लोग देख सकते हो, ये बस फॉर द लास्ट टाइम ये फ्रेम आप लोगों को दिखाई नज़र देगा वीडियो में। तो देर ना करते हुए मैं जाता हूँ ऊपर और सब बाइक पे सब चीज़ माउंट करता हूँ और फिर निकल जाता हूँ राइड के लिए। Hey guys, तो अभी हम लोग घर से निकल चुका हूँ मैं और सबसे मीटअप भी हो गया। अभी हो रहा है 7:10 और पूरा टाउन घूम लिया पर मुझे पेट्रोल नहीं मिला क्योंकि सब जगह बंद है। और जहाँ पे मिल रहा था एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल रहा था मुझे, वो भरना नहीं था। तो हम लोग आ गए रामनगर और पीछे ही मेरे साथ वाले सब, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कौन कौन है मेरे साथ। पहले यहाँ से पेट्रोल भरते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आप लोगों कि कौन कौन हम लोग जा रहे हैं इस बार राइड पर, क्योंकि दो आदमी तो कल रात को ही फाइनल हुए थे। अभी देखते हैं। अभी हम लोग सिलचर से निकल गए, अभी ये कलाइन रोड। तो अभी मैं सोनापुर पर कॉल किया था, मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, तो उसने कहा कि लैंडस्लाइड तो हुआ था पर रास्ता खुल गया है, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। तो अभी देखते हैं रास्ता कैसा मिलता है। और लाइनअप का जो मैं बात बोल रहा था उसका वीडियो मैं बनाना भूल गया, आगे जाके जब भी हम रुकेंगे तब मैं लाइनअप का एक वीडियो शूट कर लूँगा। आप लोगों को भी देखिए अच्छा लगेगा कि हम लोग कौन कौन जा रहे हैं कौन नहीं। तो अभी थोड़ा लेट हो गया हम लोग, तो इसलिए राइट की तरफ फोकस करते हैं। और जैसे ही मैं रुकता हूँ वहाँ पे आपको मिलता हूँ। अगर करना कुछ दिखाने का रहा रास्ते पे तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। तो इसको ओवरटेक करता हूँ पहले बेस्ट आई। तो यहाँ पे शायद से एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे, शायद से एक्सीडेंट ही हुआ। गाइस, अगर आप लोग भी हाई रोड कर राइड करते हो तो थोड़ा सेफली राइड करो, ज़्यादा भगाओ मत। और क्योंकि घर पे तो आपका मम्मी और पापा आपके इंतज़ार कर रहे होंगे, तो इसी कारण से पूरा सेफ्टी के साथ राइड करो। ज़्यादा ओवरटेकिंग मत करना, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, वरना यह सब होता ही रहेगा। कल वैसे भी सिलचर पर एक ट्रक वाले ने एक साइकिल वाले को उड़ा दिया, स्पॉट डेड हो गया वो सुबह करीब 7 बजे लोगों के सामने उसने मतलब कुचल दिया। मैंने अपना वो क्या बोलते हैं उसको सीसीटीवी फुटेज का वीडियो जो था लोगों ने पोस्ट किया था वो देखा मैंने। और अभी करीब कलाइन हम लोग पहुँच जाएंगे और 20 मिनट में, और फिर कलाइन से मालेडोर और 20 मिनट उसके बाद मेघालय बॉर्डर। तो देखते क्या होता है आगे। तो गाइस, हम लोग अभी ऑलमोस्ट मालेडोर पहुँचने वाले हैं। अरे बाहर देखो गाइस, मतलब कुछ देरों में हम लोग भी बाहर होंगे। अभी फिलहाल दूर से देख के मज़ा आ रहा है और रास्ता बहुत ख़राब है। पीछे तो मतलब ऐसा ऐसा रास्ता था, मुझे लोगों ने कहा था कि डिगोरगढ़ के बाद आपको बहुत ख़राब रास्ता मिलेगा, टोल गेट 1 किलोमीटर। तो अभी जाके हम रुकेंगे मालेडोर ढाबा पे क्योंकि भूख लगा है सबको, कुछ खाएंगे उसके बाद निकल जाएंगे पहाड़ों की तरफ। फिर पहाड़ क्रॉस करके भी जाना है हम लोगों को बहुत आगे, देखते हैं आज कहाँ तक जाते हैं हम लोग, कहाँ जाकर स्टॉप लेते हैं, क्योंकि रात को राइड करेंगे नहीं हम लोग। तो चलिए सफ़र का मज़ा लीजिए मेरे साथ आप लोग भी। अभी टाइम हो रहा है 8:20, अच्छा चलाया हम लोगों ने, करीब 1 घंटा में हम लोग आ गए मालेडोर। सब ने अच्छा कॉपरेट किया, पीछे मेरे ग्रुप पूरा सबको थम्सअप, और चलते हैं आगे। तो ये रहा प्रीतम, ये निधु और सामने जीतू, सबसे मैं आप लोगों को मुलाकात कराऊंगा। फिलहाल आप लोगों ने तो जीतू से पहले भी मिल चुके हैं आप लोग, क्योंकि जब मैं धर्मनगर गया था तब जीतू मेरे साथ था। और ये दोनों आज पहली बार लंबे राइड पे निकले हैं हमारे साथ,
तो बस देखते हैं, और अभी तो यहाँ कीचड़, देखते हैं कौन कैसा ऑफरोडिंग करता है। देखा है वहाँ जाके खड़ा हो गया। यहाँ पे शायद पुलिस भी है, पता नहीं हम लोग रोकेंगे कि नहीं, अगर रोकते हैं तो देख लेंगे वरना जाएंगे। फुल ऑन चेकिंग चल रहा है गाइस। अरे कैसा रास्ता है, भगवान अभी से अगर ऐसा दिखा रहे हो आप फिर सामने कैसा मिलेगा। तो फाइनली आके हम लोग पहुंच गए मालेडोर, और हम लोग रुके यहाँ पे माँ दुर्गा ढाबा, और ये रहा प्रीतम, ये निधु, हेलो बोल दो निधु, हेलो बोलाओ। और ये रहा हम लोगों का बाइक का लाइनअप, पहले दिखा नहीं पाया मैं, ये जीतू का MT15, ये निधु का हक्स वरना, और इसको तो आप लोग पहचानते ही हो किसका बाइक है, और ये रहा अपना प्रीतम का हंटर। तो सबको भूख लगा है, सब लोग खाते हैं यहाँ पे कुछ, और यहाँ का जो ऑनर है वो भी मेरा बहुत पहले से जान पहचान वाला है, और ये रहा ये सुबुद भैया, हेलो कहो, हेलो नितरी। तो थोड़ा मुँह धो लिया मैंने, और सब खाने बैठ गए यहाँ पे। और जीतू कैसा लग रहा है, आगे आगे कैसा रास्ता मिलेगा, कुछ कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा होगा अभी आगे का रास्ता। मैंने लिया है बस ये रोटी और आलू भाजी, क्योंकि आज मंगलवार है तो मेरा भेज है, तो ये लोग सब रोटी और तड़का खा रहे हैं, सब लोग भेज ही खा रहे, लेकिन मैं कंदा भी नहीं खा रहा, तो खाते फिर निकलते हैं यहाँ से। तो हम लोग सब खा के निकल चुके, और ये रहा मेरा इंटरकॉम, मेरा और नीतू का कनेक्ट हो गया, बाकी ये प्रीतम का और जीतू का कनेक्ट नहीं हुआ, जीतू अंदर गया है, और अभी बस चेन लूविंग चल रहा है सबका, मोटर का स्पॉन्सरशिप झूठ बोल रहा है, और हम लोगों का बस गियर ऑयल, हम लोग ऐसे गियर ऑयल दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे बहुत कीचड़ मिलेगा हम लोगों को, तो देखते हैं अभी वापस कहाँ रोक के हम लोग को चेन लूप करना पड़ता है। तो तू कनेक्ट हो गया, ऑफ कर दिया, कनेक्ट करते फिर निकलते हैं यहाँ। अभी हम लोग निकल गए रेस्टोरेंट से, और मतलब ढाबे से, और ये रहा अपना मेघालय बॉर्डर, ये असम ही है एक्चुअली, ब्रिज के उस पर मेघालय है। हाँ हाँ, ये भी बात कर रहा है इंटरकॉम में, हम लोगों ने इंटरकॉम कनेक्ट कर दिया दोनों ने, पहले हम लोगों ने सोचा कि चार एक साथ कनेक्ट होता है, लेकिन होता है चार हम लोगों को जितना पता है, लेकिन हम लोगों को आता नहीं है करना, तो अभी सामने जाके जब लंबा एक ब्रेक लेंगे लंच के लिए तभी हम लोग आराम से कनेक्ट करेंगे, फिलहाल तो जाते हैं यहाँ से। तो अभी शायद से रास्ता थोड़ा ख़राब मिलेगा हम लोगों को, देखते हैं कहाँ तक मिलते हैं। अभी फिर हम लोगों को सोनापुर में रुकना भी है मंदिर में, और रुक के प्रणाम करके फिर सीधे निकल जाएंगे नॉन स्टॉप लाटुंबाई के लिए, अगर बीच में कोई अच्छा स्पॉट मिलता है तो तभी हम लोग फोटो फोटो खींचने के लिए रुकेंगे, वरना तो सीधा चलाएँगे नॉन स्टॉप जहाँ तक जा सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास ट्रैफिक लगा हुआ है, पहले हम लोग को इतना रास्ता खाली मिल रहा था कि हम लोग खुश हो गए थे कि यार अभी तो रास्ता पूरा खाली है, पर अभी यहाँ पे रास्ता फिर देखे थोड़ा बहुत दिल में घबराहट भी हो रहा है, लग रहा है कि अगर जाकर अंदर अगर सामने रास्ता बंद मिले, अगर एक दो घंटा रुकना पड़े हम लोग तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, लेकिन बारिश हुआ नहीं तो लैंडस्लाइड का तो कोई रीज़न लगता नहीं है, लैंडस्लाइड होगा क्योंकि बारिश होता है तभी लैंडस्लाइड होता है, वरना तो लैंडस्लाइड पता नहीं है। अभी देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, बाइक है वैसे भी निकल ही जाएंगे हम लोग, वहाँ तक जा सकते जाएंगे फिर देखेंगे। तो ट्रैफिक से निकल के हम लोग यहाँ पे रुके थे मंदिर पे, थोड़ा प्रणाम करके प्रसाद खा लिया, और पूरा धूल धूल हो गया, और यहाँ पे उसका बैग खोल गया पीछे, तो उसका बैग को फिर से माउंट कर रहे सब लोग, और पीछे जो ट्रैफिक था हम लोगों को बस ये डर है कि पीछे का ट्रैफिक ना खुले, अगर खुलता है तो हम लोग फंस जाएंगे ट्रैफिक में ही। अभी बस जल्दी जल्दी हम लोग को लाटुम भाई पहुँचना है, सॉरी लड्रम भाई, देखते हैं अभी कितना जल्दी लड्रम भाई पहुँचता है, ये देखिए धूल
ये देखिए धूल, पूरा धूल धूल धूल। अभी उठा के पहुँच गए हम लोग टनल पे, और ये रहा निधु मेरे साथ पीछे, बाकी तो आ रहे हैं। हम दोनों का इंटरकॉम करने के लिए तो हम लोग एक साथ चला रहे हैं। पाल कितना गोट, क्या मालिक, क्या गड्ढा था, क्या गड्ढा था, ये गड्ढा नहीं, बाप रे बाप, क्या गड्ढा था। नया शॉकर लगाया है मैंने, इससे पूरा मतलब लाइट जलाया मैंने, पर लाइट पर काम ही नहीं कर रहा है। बाप रे बाप, क्या गड्ढा था। पता मुझे वापस से जाकर लग रहा है कि मुझे वापस से पकड़ अपना टाइट देना पड़ेगा। बाप रे बाप, क्या गड्ढे में गया मैं, बहुत जोर का लगा लेकिन मुझे। अभी यहाँ से और लेफ्ट साइड का टेंशन ख़त्म होता है, राइट साइड तो आ गया हम लोग सोनापुर ब्रिज। पानी तो पूरा गंदा है, यहाँ से मतलब वो लोकल ड्राइवर है, वो लोग का तो मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है रोड साइड, तो बहुत तगड़ा खींचते हैं वो लोग। लेकिन हफलोंग में जो मैंने एक्सपीरियंस किया इसके सामने ये कुछ नहीं है। जो भी सोलो था मैं हफलोंग पे, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था मेरा। यहाँ पे तो खैर ये पानी तो पूरा गंदा है, वरना प्रो ब्लू वाटर, मगर मुझे आज तक यहाँ का ब्लू वाटर देखने को नहीं मिला। मुझे बस ये ये रहा टनल, हाँ नीचे तो बस फोटो है उसका, ब्लू वाटर का हमें तो खैर ब्लू वाटर मिलता नहीं था। अभी हम लोग एक होटल पर आके रुके हैं, जगह का नाम मुझे नहीं पता। और प्रीतम जी तो बहुत पीछे है, क्योंकि प्रीतम का जो लगेज था वो किचन में गिर गया, और हम दोनों बहुत आगे थे, तो वो लोग अपना लगेज को धो रहे हैं लगा रहे। तो हम लोग को उन्होंने कहा कि तुम लोग आगे निकल जाओ, हम लोग कहीं जाके वेट करना। तो हम लोग को दुकान मिल गया यहाँ पे, तो अभी बस यहाँ पे आकर थोड़ा वेट कर रहे हैं। और हेलमेट, कैमरा मैंने हेलमेट से खोला ही नहीं है, सीधे हेलमेट से लगा के मैं शूट कर रहा हूँ। इतना गर्मी है, लेकिन एक तरह से बहुत अच्छा ऐसा वेदर है, क्योंकि मेघालय का बारिश बहुत बुरा है। मुझे एक्सपीरियंस है मेघालय का बारिश का, मुझे मेघालय का बारिश बिल्कुल नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो सके हम लोग मेघालय से निकलते हैं। कोल्ड ड्रिंक तो अभी यहाँ पे रुके, कोल्ड ड्रिंक खाएँगे पियेंगे, फिर थोड़ा वो लोग जैसे आएंगे हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से सीधे। वाटरफॉल चेक करो गाइस, कैसा वाटरफॉल है एकदम। यही तो खूबसूरती है मेघालय की, लोग तो मतलब नहीं वाटरफॉल देखते ही सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। और हमारे साथ है ऐसा लाइनअप, ये देखिए लाइनअप। ज़्यादा मुंडी नहीं घुमाऊंगा पीछे, वरना आगे मेरा संतुलन बिगड़ जाएगा। तो अभी हम लोग ऐसा रोड के बीच से जा रहे हैं, मतलब जंगल पे मतलब बाइक चला दिया था मैंने, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं। तो ये रैंडम आदमी को फॉलो कर करके निकले हैं हम लोग। राइडर देखे थे हम सब तो बनता है। अभी निकलते हैं यहाँ से, अभी शायद से ऐसे ही मिलेगा एक से खाली। ये मेघालय का तो मतलब ट्रक ट्रैफिक तो रहता ही है हमेशा, एक ट्रक ऐसे रुकेगा पीछे सारे रुक जाएंगे। अभी जल्दी जल्दी हम लोग लाटूम भाई बोल रहे हो, लाजरम भाई तो शायद से हम लोग नहीं रुकेंगे, क्योंकि भूख नहीं लगाई किसी को, जितना हो सकता है उतना खींचेंगे अभी जहाँ तक जा सकते हैं। अगर कहीं भी भूख लगाए कहीं दुकान वकान मिलेगा तो चिप्स वगैरह खा लेंगे। रास्ता ख़राब दोस्त, कैसे ताने। पूरा ख़राब ओवरटेक करने गया था मैं, अच्छा ओवरटेक नहीं किया मैंने। ये हम लोग लटूंगा, ये थोड़ा पहले ही है, और ये सब हम लोग चेक करो कैसा लग रहा है देखने में। पीछे ऐसा गड्ढा था, मतलब मैं पूरा दो बार उछल के आया, पानी का बोतल भी गिर गया बैग से मेरा। और स्पीड तो हम लोग थोड़ा मेंटेन कर रहे हैं, अभी तक ट्रिपल डिजिट पे गए नहीं हम लोग, डबल डिजिट में है, हाईएस्ट शायद हम लोग 80 गए थे, उसके ऊपर गए नहीं हम तक। अभी भूख भी लग रहा है थोड़ा बहुत, पहले तो नहीं लग रहा था, अभी सोच रहे हम लोग लेजन भाई रुके कि नहीं रुके, देखते हैं अभी क्या करना है। और ये सब मतलब व्यू का अलग ही कुछ बात है मेघालय का। जरा होले होले चलो मोरे साजना,
गड्ढा है आगे, गड्ढा है, गड्ढा दोस्तों, गड्ढा है, देख के आना, पीछे वाले को बोलना। चलो सब लाइन अप सही इस्तेमाल से, सही इस्तेमाल से राइड कर ले। मतलब लग नहीं रहा है कि लेडी और वो एकदम नया राइडर है, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से ही छोड़ के आते हैं और अभी तक वो निकल गया आगे। तो गाइस अभी का अपडेट है, टाइम हो रहा है 1:50, 2:10 और अभी बस हम लोग आके लाठीराम भाई पहुँचे हैं। बहुत ट्रैफिक था, बहुत धूल, बहुत कीचड़, बीच में ऐसा भी वेदर आया था कि बारिश मिल सकता है, अगर देता तो अच्छा था क्योंकि रेनकोट सब कुछ सबके साथ है, बस प्रीतम के साथ रेनकोट नहीं है। और अभी हम लोग आके रुके यहाँ पे स्टार लाइन पे, वो कितना लग नहीं रहा है, तो बस चाय और केक वगैरह ये सब खा के निकल जाऊँगा। तो मेरा जो ये इंडिकेटर है ये थोड़ा सा, और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मेरा जो ये हेडलाइट फॉगलाइट है ना, इसका क्लेम टूट गया, ये देखिए क्लेम टूट गया। मुझे बस ये डर लगा रहता है कि अगर ये गिर जाए तो ख़त्म, एक फॉगलाइट ऐसा चलाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल चाय वगैरह पीते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी ये लोग खाना खा रहे हैं, उन लोगों ने लिया है मछली, शादी का खाना है, और हम दोनों ने लिया है फ्राइड राइस और पनीर बटर मसाला। अभी हमारा खैर वहाँ पे बन रहा है खाना, तो अभी जब तक हम लोग आते हैं उन लोगों का देख के पेट भरते हैं हम लोग। खाओ, खा लो, खा लो, अच्छे से खा लो, शर्माओ मत, ये लोग वेजिटेरियन है भाई, हम लोग वेजिटेरियन है, क्या करेंगे आज के लिए। तो आने दीजिए खाना, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो हम लोगों का खाना आ गया, ये रहा वेज फ्राइड राइस और ये पनीर बटर मसाला, अभी खा लो जल्दी जल्दी आदिवासी, अभी निकलते यहाँ से खा के। चलिए इस खाने को पहले ख़त्म करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी निकल गए हम लोग यहाँ से खाना वाना खा के, अभी हो रहा है 1:30, 2 बजे को आए थे, 1 घंटे का ब्रेक। और जीतू से लिया है मैंने ये टाइप सी केबल, अभी फ़ोन को चार्ज में बिठाऊंगा क्योंकि चार्ज बहुत कम है। और यहाँ से निकलेंगे अभी सीधे जो है बाईपास की तरफ, और जो साउंड है कैमरे का मतलब माइक का, वो बाइक स्पीड से चलाने से थोड़ा बहुत ख़राब होता है, इसको आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं कोशिश करूँगा साउंड क्लियरिटी को अच्छा करने के लिए। तो यहाँ से निकलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्या देख रहे हो भाई, वीडियो चल रहा है, मेरा सर, मेरा सर देख रहा हूँ। तो अभी हम लोग बस जो है बाईपास पे उससे है, और बाई से हम लोग 22 किलोमीटर आ चुके हैं, यहाँ से सीधा जाएंगे जोरावट। अभी एक स्टॉप लेंगे हम लोग, वहाँ पे व्यू पॉइंट है, बहुत सुंदर है वो जगह, वहाँ थोड़े रुकेंगे हम लोग, एक दो फोटोज़ खींचेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे सीधे जोरावट के लिए, और जोरावट से सीजन में आगा देखते हैं। अभी टाइम को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बहुत भगा भी रहे शायद से, तो जीतू और प्रीतम तो ट्रिपल जी ने अपना बाइक को भगा रहे थे पहले, और मैं वो लेकिन 60-70 ऐसा ही मेहनत करते हुए जा रहे थे। अभी चलते हैं सीधा व्यू पॉइंट की तरफ, थोड़ा कोई दिखाने का रहा था, रास्ता देखो पूरा सामने, ऐसा लग रहा है कि सो गए सामने, ऐसा लग रहा है कि सो गए, कोई गाड़ी अगर जाता है तो पूरा सफ़ेद करके चला जाता है, और छोटे छोटे पत्थर कंकर बाइक मतलब पूरा ग्रिप कर रहा है, मेरे एक्सीडर देने में भी डर लग रहा था पहले, उनको फिर भी बहुत अच्छा है। ऐसा ऐसा टाइम पर आता है कि मैं कैमरा ऑन करने का मुझे मौका ही नहीं मिलता। भाई ये चेक करो, मैं बोल रहा था ना ऐसा धूल है कि कुछ दिखाई नहीं देता है, पता नहीं आप लोगों को कैमरे में कैसा लग रहा होगा, पर थोड़ी देर पहले एक ट्रक आया था हम लोगों को सामने, दिखाई नहीं कोई ट्रक है, और ये कंकर और पत्थर तो मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, शायद अभी ख़त्म हो गया, और अभी यहाँ से शायद से अच्छा व्यू होता है, यहाँ का व्यू तो काफ़ी अच्छा है, पूरा अच्छा लग रहा है देखने में भी। एक बार जल्दी जल्दी जोरावट पहुँचते हैं भाई, और थोड़ी जोरावट के पहले से एक बार देख लेता है हम लोग। धूल की वजह से मतलब ये चलाने का भी मतलब क्या भगाओ भाई। तो गाइस आके हम लोग पहुँचे व्यू पॉइंट पे जहाँ मैं पिछली बार भी रुका था, और ये चेक करो आप लोग कैसा लग रहा है, देखो यहाँ पे एकदम फर्स्ट क्लास, बाकी सब यहाँ पे एकदम फुल एंजॉय में ले रहा हम लोगों का बाइक, बहुत प्यारा लग रहा है बाइक देखने में, लाइनअप बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया लाइनअप लग रहा है देखने में, और यहाँ से जो गाड़ी आता है इतना स्पीड से आता है, इसलिए हम लोग थोड़ा मतलब साइड में खड़े होके शूट कर रहा हूँ मैं, फोटो भी बहुत खींचा है मैंने इंस्टाग्राम में, आप लोग देख देख।
मिठे कत तेरे पड़ संभाया सिर सुकानी तैनू प्यार दस मैं करा के नहीं तैनू प्यार दस मैं चार्ज हो गया 89%। मैंने वो चार्जर खोल दिया है, पावर बैंक चार्ज दिया था मैंने, पर उस दिन मेरा फ़ोन करके यहाँ था वो मेन कैमरा फट गया। तो अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग, बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, अगेन आते टाइम रुकेंगे यहाँ पे, अभी तो निकलते हैं यहाँ से क्योंकि लेट नहीं करना हम लोगों को, जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। सामने से गाड़ी बहुत तेज़ आता है तो देखते हैं, अचानक गाड़ी आएगा तो रिक्स हो जाता है। करीब लेफ्ट आई वो तो थोड़ा संभाल के जाते हैं। अभी सीधे जोरा पड़ जोर नहीं रुकना है हम लोगों को। तो अभी आके हम लोग पहुँच गए शिलोंग बाई पास, इस तरह से शिलोंग इस तरह से गुवाहाटी, गुवाहाटी है अभी 120 किलोमीटर। हम लोगों को 215 किलोमीटर अभी और जाना है हम लोगों को। अभी हो रहा है टाइम 5 और 200 किलोमीटर, 215 करीब 4 घंटा। तो अभी देखते हैं 4 घंटा हम लोग कितना समय में करते हैं 4 घंटा। और ये लोग तो पागलों की तरह बाइक चला रहा है भाई, मेरे को पागल हो गया, पागल निधू नहीं, निधू को छोड़ के बाकी सब पागल हो जाता है, पागल हो जाता है। देख लो सामने ये लोग बाइक लेके धुआं उड़ा के जा रहे हैं, देखा कि कैसा बाइक चला रहे हैं ये लोग भाई। टानेटा बहुत शार्प टानी, किंतु बहुत स्लो, पीछे एक बोर्ड दिखा था मुझे स्पीड क्या था, स्पीड 3 पर स्पीड वो सही है एक्चुअली, ज़्यादा ओवर स्पीड भी अच्छा नहीं है, अपना लिमिट में रह के चलाओ जितना आपको कंट्रोल में आता है, और हमेशा ट्रैफिक रूलों का पालन करो ताकि आपका भी सेफ्टी रहे और जो सामने लोग घूमते हैं उनका भी सेफ्टी रहे, किसी को हमें नुकसान नहीं करवाना ना ही कुछ पकड़ना है। बस बोर्ड के लिए रुके हैं, राइड के लिए निकले, आराम से राइड करें। ये चेक करो गाइस कैसा लग रहा है पहाड़ देखने में, एक बोलो कि रुपया मेहनत लग रहा है कि नहीं, ऊपर क्लाउड्स और सामने पहाड़ और ये खोला रास्ता। पर एक्चुअली अभी मैं सबसे आगे हूँ, पहले ऐसा दबाया उन लोगों ने, ऐसा चलाया कि मैंने कहा कि एक काम करो तुम लोग पीछे जाओ मैं आगे जाता हूँ, वरना तुम लोग ऐसा चलाओगे अगर कुछ होता है तो फिर राइड का सारा सत्यानाश हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा स्पीड को मेंटेन कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा मेरे पीछे 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 पीछे, बारिश का एक भी बोल भी मेरे ऊपर गिर चुका है, लग तो रहा है कि बारिश आ गया गाइस। बारिश आ गया तो अभी हम लोग आके एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं, और मैं वापस हेलमेट से कैमरा नहीं खोल रहा है इसे दिखा देता हूँ आप लोगों को। थोड़ा बारिश आ गया था और निजू का पेट्रोल भी कम था क्योंकि उसका टैंक छोटा है, 9 लीटर का है, और मेरे में है अभी तक हाफ टैंक से ज़्यादा है, हाफ टैंक से थोड़ा कम हो, बाकी सब में तेल है। तो बस निजू अभी अपना पेट्रोल यहाँ से भर रहा है और निकल जाएंगे हम लोग पेट्रोल भर के यहाँ से सीधे जोराबाद की तरफ। अगर बारिश आता है तो प्रीतम भीगेगा, और हम लोगों के पास तो रेनकोट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ पे आके रुके थे हम लोग, जैसे अभी थोड़ा बारिश कम गया है तभी यहाँ से निकल जाएंगे, और ये लोग लड़कियों से कम नहीं है भाई, तैयार होने में पूरा लड़की। जल्दी चलो रे भाई, जल्दी चलो, जाना है हम लोगों को, बहुत दूर है अभी, 200 किलोमीटर बाकी है अभी, और भी चलो चलो।
तो निकलते हैं गाइस यहाँ से। केलो ही भर के फायदा नहीं है, केलो मैं कल भरूंगा। जय श्री राम। तो अभी बारिश के कारण हम लोग ज़्यादा स्पीड मतलब फिर स्पीड से चला भी नहीं पा रहे, तो ये 40-50 अगर कोशिश करेंगे जाने के लिए, क्योंकि रोड बहुत स्लिप है, स्लिप है पूरा, मतलब स्लीपर ही कर रहा है मेरा व्हील भी पीछे का, टायर पता नहीं किस लिए, टायर तो नया है, टायर का कोई गलती नहीं है, रोड का ही गलती है, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये निधु और मेरा इंडियाकॉम कनेक्ट है, हम लोग जोक मारते हंस रहे थे, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है सामने का नज़र आप लोग बताना मुझे, तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बस ऐसे चला ही रहा हूँ। अभी मैं बोल रहा था उन लोगों को अभी दबाओ ना, पहले जैसे दबाया तुम लोगों ने, अभी ग्लास लाएगा नहीं, लगा लो ग्लास भी लगा लो अभी, और ग्लास हाँ, अभी सिर्फ फोर लेन का इंतज़ार है, जैसे ही फोर लेन आता है फिर थोड़ा राहत मिलेगा, ये रास्ता जैसे सूख जाएगा थोड़ा अच्छा लगेगा चलाने में। तो अभी एक मिनट पहले मैंने वीडियो बनाया था बारिश के कारण चला नहीं पा रहा हूँ, पर अभी यहाँ पे बारिश नहीं है, रास्ता सूखा है पूरा, मतलब ये अलग ही सीन है मेघालय का, शायद से बॉर्डर माप के बारिश देता है यहाँ पे, कि तुम्हारे एरिया पे मैं उतना दूंगा, तुम्हारे एरिया पे मैं अभी दूंगा, तुम्हारे एरिया पे मैं बाद में दूंगा। पर मैंने अपना फॉग लाइट जो है उसका अपर पॉइंट वाला चला दिया है, ताकि थोड़ा बहुत विजिबल हो मेरे लिए सामने का व्यू, ताकि मैं अच्छे से चला पाऊँ, और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो लोग भी अच्छे से आ पाए। क्या मेरे भाई की आवाज़ कर रहा है, हैंग, देखना पड़ेगा मुझे मंगाओ जाकर। तो खैर ये सब बातें करके फ़ायदा है नहीं, अभी शायद से मैं फूल लेने के बाद ही आप लोगों से मिलूँगा, थोड़ा इस रोड को थोड़ा फोकस करता हूँ उस रोड पर। तो अभी आके पहुँच गए हम लोग फोर लेन पे फाइनली, पीछे इतना धूल था कुछ दिखाई दे नहीं दिया मुझे कुछ भी, लिटरली मतलब मेरा जो वाइजर है उस पर एक तो बारिश का पानी था, जैसे ही मैंने उसको हाथ से पहुँचा उसके ऊपर कीचड़ हो गया, जैसे तैसे करके मैं निकला बस। अभी जैसे ही मैं फोर लेन पे आया मुझे लगा कि भाई चलो अब सही है, अब तो कुछ मिला, अभी देखते हैं कैसा है रास्ता, अगर टूटा फूटा रहता है अंधेरे में तो घुसना है गड्ढे में आज बस। यहाँ पे तो दोनों तरफ से ओवरटेक करते हैं भाई, राइट साइड कर तो ऐसे राइट साइड जी होना क्यों, वो इंटर क्या इंटर कम कनेक्ट है ना गाइस, तो सबको बताना भी पड़ता है किस तरफ क्या है क्या है, और अभी है मज़े का रास्ता बस, अभी बस यही रोड से चलते रहो। क्यों लेफ्ट से, तो अभी जीतू आ गया मेरे साथ और निधु पीछे चिल्ला रहा है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे लेके जाओ, कोने नहीं 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 उसको दिखाई दे रहा है, उसको दिखाई तो दिखाई, तो हम दोनों बस येलो लाइट लगा के चला रहे हैं। बाप रे बाप, ये येलो लाइट तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि आप लोगों ने मेरा पहले एक वीडियो देखा था आप लोगों ने, जब मैं गुवाहाटी से शिलोंग राइड किया था, तब वो फॉग लाइट ही नहीं था मेरे बाइक पे, विदाउट फॉग लाइट मैंने राइड कर लिया था, नॉर्मल जो बाइक का लाइट था इससे। और भांगा ना, मैं सोचा टूटा हुआ है पानी के कारण, देखा धीरे गड्ढा नहीं, उसका सेफ्टी से ज़्यादा तो अपना दोस्तों का सेफ्टी मेरे लिए ज़्यादा है, खुद भी सेफ रहना है उनको भी सेफ रख पाए, वो अभी भगा भी नहीं पाऊँगा। क्या तो वो बाइक है कि उसका प्लेन है पता नहीं, ऐसा भगा रहा है, तो उसके साथ साथ मुझे भी कह रहा है भगाओ, ज़्यादा इतनी तो है नहीं, 50 ही है, पर फिर भी रात को 50 कुछ दिखाई दे रहा है क्या, वो कैमरा में बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, कि हमें थोड़ा बहुत तो विजिबिलिटी है, लाइक 90% दिखाई दे रहा है मुझे, 10% तो शायद मेरे आँखों में प्रॉब्लम है,
तो गैस अभी हो रहा है टाइम 7:10 और अभी 110 किलोमीटर बाकी है और नौगांव के लिए। अभी हम लोग श्योर नहीं है नौगांव जाएंगे सीधा या फिर अभी कहीं और रुक जाएंगे। थोड़ा पानी वाटर ब्रेक के लिए रुके थे हम लोग। पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो गया, पूरा मतलब थक गया है बॉडी। सब यहाँ पे आसपास है तो अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग। बाकी आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा। हम लोगों को ये टोल मिला है जोरावर से पहले और मैंने अपना ग्लव्स जो है वो पहन लिया क्योंकि ग्लव्स के बगैर चलाने में हाथ का मतलब जो स्किन है मेरे एक उंगली का वो पूरा उखड़ गया था। तो अभी बस ग्लव्स पहन लिया मैंने और यहाँ से निकलते हैं। हमें तो टोल खैर देना नहीं है पर ये गाड़ी वालों के लिए हमें रुकना पड़ेगा। अबे यार और 110 किलोमीटर अभी और 110 किलोमीटर हम लोगों को करना है। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कर लेंगे लेकिन जोरावर जाके कुछ खाएंगे उसके बाद निकल जाएंगे सीधा 110 किलोमीटर के लिए। रात को मज़ा आएगा रात को। तो हम लोग अभी बस नौगांव हाईवे पे चले हैं गुवाहाटी जोरावर से होके और अभी हो रहा है टाइम 8। 110 किलोमीटर दो घंटे में अगर कर पाए हम लोग तो कर देंगे वरना 11 तो बज जाएगा मुझे लग जितना मुझे लग रहा है। और चाय ऑर्डर किया था हम लोगों ने दो चाय, तो जो चाय पी रहे ये चाय नहीं पीता है और ये चाय नहीं पीता है तो ये बस थोड़ा चाय पीते हैं। थोड़ा बॉडी को मतलब होश में लाना है कि भाई तेरे को और 110 किलोमीटर करना है आज। तो करते हैं 110 किलोमीटर और देखते कब तक पहुँचते। बाकी तो आप लोग देखते ही रहोगे। मच्छर है भाई बहुत मच्छर है मेरा पूरा वाइजर मच्छर हो गया। निकल गए थे चाय पी के और करीब अभी हम लोगों ने कर लिया 20-25 किलोमीटर आधे घंटे में। दिस नॉट बैड एक्चुअली। तो हम लोग अभी ऐसा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं 60-70 आगे है मेरे निजू, मैं बीच में, मेरे पीछे है प्रीतम और उसके पीछे है जीतू क्योंकि प्रीतम के बाइक में फॉग लाइट नहीं है तो बस जीतू उसको कवर कर रहा है और मैं पीछे से निजू को कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इतना तेज़ गाड़ी चलता है मतलब क्या बताऊँ। अभी जितना जल्दी हो सके हम लोग उतना जल्दी नौगांव पहुँचने का कोशिश करेंगे। एक चाय ने बहुत एनर्जी दिया हम लोगों को तो अभी बस बाइक चलाना है नॉन स्टॉप। अभी करीब और 80-90 किलोमीटर उसके बाद नौगांव। होटल देख के रखा है नीतू के जीजू ने तो बस अभी वहाँ जाके होटल में जाके नहा के सोना है मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। सुबह 7 बजे से अभी करीब 8:30 पहुँचते करीब 10 बज जाएगा। तो अगर 10 बजता है तो ऑलमोस्ट लाइक 14 आवर्स का एक राइड है वो भी नॉन स्टॉप। ऐसा भी नहीं कह सकते बीच बीच में रुके हम लोग बहुत बार पर फिर भी 14 किलोमीटर का राइड बहुत बड़ा राइड होता है। जो हम लोग को रास्ता मिला था पहाड़ों में अगर ऐसा रास्ता मिलता हम लोगों को पहाड़ों में तो हम लोग कब पहुँच जाते थे और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मेरा वॉयस कैसा आ रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना गाइस अगर वॉयस ख़राब आता है तो। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छा आप लोगों को देने के लिए। मैंने माइक का प्लेसमेंट भी मैंने चेंज किया है तो अभी बस जब भी मैं होटल पे जाऊँगा तब जाकर सारा वीडियो देखूँगा तब मुझे पता चलेगा कि मेरा वॉयस जो है वो कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं। तो गाइस अभी का अपडेट ये है कि अभी हो रहा है 9। हम लोगों ने बहुत जल्दी कवर कर लिया बहुत डिस्टेंस और अभी और 55 किलोमीटर बाकी है नौगांव के लिए। तो अभी देखते हैं कितना समय पहुँचते हैं। कंटिन्यूसली हम लोग 60-70 मेंटेन कर रहे हैं स्पीड। अभी बस देखना है कि कितना जल्दी हम लोग जाकर पहुँचते हैं। हम लोग नौगांव एंटर कर चुके हैं और सामने है मेरे प्रीतम और आगे है निजू और मेरे पीछे है जीतू। तो बस अभी हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं देखते हैं अभी वो जीजू ने कहाँ पे होटल लिया है। अचानक से ऐसा टूटा फूटा आएगा तो कहाँ से ब्रेक मारूँ मेरा का शौक महिंद्रा पे हमारा भी एक सेम कार है कभी ना कभी लेके जाएंगे। फिलहाल उसकी बातें ना करूँ कभी अच्छा है।
अभी आके हम लोग नौगांव टाउन पहुँच गए और मेरा हो गया तेल खत्म, तो मैंने अभी लगाया रिजर्व पे। मुझे लगा क्योंकि दो दिखा रहा था, मतलब दो स्टिक दिखा रहा था, तो मुझे लगा तेल है, पर अचानक से रिजर्व पे लग गया, तो मैं पीछे रुका था। अभी नीतू और प्रीतम आगे चले गए, अभी पता नहीं वो किस तरह के। अच्छा अच्छा बोल रहे मिल गया। अभी चलते हैं इस तरफ होटल की तरफ, आपको देखते हैं होटल कहाँ है। मेरे पापा ने भी मुझे कॉल किया, कहा कि तू कहाँ है, क्या कर रहा है। मैंने कहा कि मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा तो भरा क्यों नहीं। मैंने बोला कि अरे भरने वाला था पर पेट्रोल पम्प भी बंद मिला। अभी कहा कि चल जा होटल पर, जाकर ट्रेन में सब खाना खा के सो जा, कल सुबह कॉल करके अच्छे से बात करूँगा तेरे साथ। तो अभी चलिए सीधे होटल पर मिलता हूँ मैं आप लोगों से, ज़्यादा लंबा करके फ़ायदा नहीं है नहीं वीडियो को। तो हम लोग आ गए रूम में और ये रहा SP लॉज, और यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने बाइक पार्क। तो बस अभी रूम देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसा है रूम। पहले इस चीज़ को ऑफ, सॉरी चाबी को ऑफ करते हैं। चल घुसा दे बाइक, रख दे। तो आप लोगों को मैं रूम दिखाता हूँ, ये रहा SP लॉज। पहले मैंने दिखाया है कि बाइक हम लोगों ने फिर अंदर पार्क कर दिया, और यह रहा रूम। दो रूम है ना, एक नहीं दो रूम है, ये एक है शायद, ये एक रूम है और ये और एक रूम है। अभी बस यहाँ पे रहेंगे दो दिन। कल हम लोग नहीं निकलेंगे काजीरंगा के लिए, परसों निकलेंगे, थोड़ा ढूंढ हो गया कैमरा के लेंस पे। तो अभी फ्रेश होकर मिलता हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि नीतू गया है खाना लाने, और मेरा हालत देखिए आप लोग कैसा है। The next day. Hey guys, तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और अभी हो रहा है सुबह का 9:06। तो कल आने के बाद बहुत थक गए थे हम लोग, तो बस नीतू गया था खाना लाने, तो खा के सीधा सो गए थे, और ये रहा पीछे नीतू। तो गाइस ये वीडियो को मैं यही पेन करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और राइड्स का वीडियो है तो थोड़ा लंबा हो जाता है, आप लोग पूरा वीडियो देखना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। तो चलिए गाइस ये वीडियो को मैं यही पेन करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तब तक लेगा स्टे सेफ स्टे हैप्पी सी यू सून, क्योंकि ये वीडियो के बाद ये वीडियो एंड करते ही मैं और एक वीडियो स्टार्ट कर दूँगा। तो चलिए गाइस स्टार्टअप, बाय बाय।